ऑल इंडिया लेवल से भगवान परशुरामान बाण मारून निर्मिल्ली आमची भूंय आमी सर्त जाता. आयचो हो उक्तावण सुवाळो गोंय तिरंदाजी संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष वेरिन वी होस्ट द 42nd ज्युनियर आर्चरी चॅम्पियनशिप. इट इज माय प्राउड प्रिव्हिलेज टू वेलकम एव्हरीबॉडी दॅट इज प्रेझेंट ऑन द डेस ओव्हर हियर. But more than that, it is to welcome all the participants who have come from all over the country, their coaches and their managers first, because without y'all we wouldn't be able to conduct this exercise. On behalf of the Archery Association of Goa, Amateur Archery Association of Goa, and my fellow colleagues, who was earlier the MLA of one of the organizing secretary Sri Chetan Kavalekar sir, the dais is filled with many other dignitaries present over here. If I keep naming all of our present over here, thank you for your presence and honoring this function. Aicha suwayak sir veran vel kadun hajir ravle munun yadastik bheton ami tanto bahuman kartat. कार्यक्रम को यहाँ पे उपस्थित जो सभी मान्यवर, खास करके श्री प्रमोद चांदुरकर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एआई, राजेंद्र सिंह तोमर ट्रेजरर ऑफ एआई, मिस्टर किरण कांदोलकर द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एआई, डॉक्टर निलेश कोडे द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द एआई, चेतन कवळेकर जनरल सेक्रेटरी ऑफ एआई एंड श्री अजय गावडे डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स. पर में से इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए आए हुए सभी मेरे भाई और बहन, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. चार दिन चलने वाले इस नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में आप सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट होने के लिए आए. डॉक्टर नीलेश कोडे ने खास करके गोवा की तरफ से आप सभी लोगों का यह स्वागत किया है, अभिनंदन किया है. मैं अभी इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में ने जानकारी ले रहा था तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ द गोवा, उन्होंने खास करके एक टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है. मुझे लगता है कि आप लोग तालियों से उनका स्वागत करें पहले, क्योंकि इस तरह का 42nd नेशनल लेवल का टूर्नामेंट जो खुद के बल पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, ये छोटी बात नहीं है. यानी गवर्नमेंट की तरफ से तो ज़्यादा हमने कुछ मदद नहीं किया है, लेकिन इसके बाद जो जो टूर्नामेंट नेशनल लेवल पे यहाँ पे होगा, डेफिनेटली विल कंसिडर फॉर द सरकार की तरफ से मदद करने के लिए. हम हमेशा के लिए उनको मदद करेंगे. मुझे लगता है कि आर्चरी के बारे में पूरे देश भर में से तो पहले गेम अने एंशियन के वक्त रामायण महाभारत से इन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया गया है, और तभी से लेके अपने देश में ये बाद में तो गेम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन द फर्स्ट सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ किया गया. अभी बात करते वक्त हमारे जो एंकर बता रहे थे कि गोवा की उत्पत्ति
जो परशुराम के बाण से हो गई है, द सेम हिस्ट्री गोवा के लिए भी वैसे ही हिस्ट्री है। फिर भी मैं आपके इस जो गेम के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, इतने सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, मैं अभी जो मुझे ऑर्गेनाइजर्स बता रहे थे कि वर्ल्ड के 4-5 कंट्रीज में इंडिया सबसे आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं खास करके कोच और आपके पेरेंट्स इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप लोग सभी बच्चों को प्रमोट करते हैं, दे आर गिविंग द गुड ट्रेनिंग सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इन दिस फील्ड, और ख़ास करके जो मेडल्स अपने देश के लिए लाते हैं इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गोवा में खास करके नेशनल गेम्स की तैयारियाँ चल रही है हर वक्त, यानी डिफरेंट गेम्स के लिए गोवा सरकार सपोर्ट करते आ रही है, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे या बाकी गेम्स हो, हमेशा के लिए गोवा सरकार इससे आगे भी यानी सभी गेम्स के लिए सपोर्ट करेंगे। मुझे ज़्यादा कुछ बात न करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन द फिट इंडिया मिशन, और फिट इंडिया मिशन खास करके बच्चों के लिए है। उन्होंने जिस तरह से क्लीन इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, उसी तरह से फिट इंडिया जो मोमेंट स्टार्ट किया है, वो फिट इंडिया मोमेंट, हम फिट रहा तो ही कंट्री फिट रह सकती है। द फिट इंडिया मुझे लगता है आप जिस तरह से अरे सभी गेम से हमें हमारी फिटनेस पहले है, इसलिए हमेशा के लिए प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। इस गेम से भी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा के लिए, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन यू आर शूटिंग, सो डैट डेफिनेटली आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके आगे आने वाले जिंदगी में आपके कॉन्सेंट्रेशन हमेशा के लिए काम आता रहेगा। और आप लोग जिस तरह से गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके जो शूट करते हैं, टारगेट अचीव करने के लिए हमेशा के दिन आपने पूरी ज़िंदगी में अपना टारगेट अचीव करने के लिए भी यानी कॉन्सेंट्रेट करके शूट करना जरूरी रहता है। हमेशा मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और फिर से एक बार यानी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ द गोवा इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thanks to all the coaches, managers and players. Thank you very much. स्ट्रेंथ खूब आ म्हणून वयर वता सॉरी तुल्यान पळोवपाचो Rick, 2.5 chaps, get ready. At this 42nd championship of Archery's Open. Mike.
ग्राउंड आता आइडेंटिफाय कर तो तुम्ही त्याचा कवर व्ह्यूअर घालता सर थैंक यू वेरी मच सर रिको मनार्सेस के लिए एक इन साइटर होगा Your shooting will commence in 2 minutes time. Get ready. Nice to be a part of this 42nd archery tournament. I've never watched this live. We see this on YouTube and all, but it's nice to see the tournament wherein the child has to be very focused. And I think whether it is academics or the sports, the child should be focused and then only he has a success. So thank you for calling me, and I'm very great, feeling very great at this occasion. Thank you. Just introduce yourself and how you see this. I am Lakshmi Priya, HCG Archery Coach. अभी जो है पोंडा में हमारा सेंटर है आर्चरी का, और अभी तक तो पोंडा में ही है, आगे दूसरा जगह गोवा का दूसरा जगह में कोचिंग सेंटर नहीं है। अभी पंजी में अभी हमारा सेक्रेटरी आर्चरी का एसोसिएशन का सेक्रेटरी मतलब पंजीम में ओपन करने के लिए जगह देख रहे हो रहे हैं। अभी उनको आपको क्या बोलना है? टूर्नामेंट जो है अभी हमारा रेड लक बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लास 10th स्टैंडर्ड का 4-5 लड़की है आचर्स, 2 लड़की और 3-2 लड़का 4 है, वो 10th बोर्ड एग्ज़ाम का 10 तारीख को एग्ज़ाम है। वो लोग पहले सेलेक्शन में, वो लोग सेलेक्शन हो गए थे, हम इंडियन राउंड में ही होता। रिकव जो अभी इवेंट है और इसमें अभी नया है, अभी जो रिकव का 3 इवेंट है ना, रिकव कंपाउंड, ये दोनों में आर्चर्स काइंडली चेंज योर टारगेट फेसेस, नया है क्योंकि इक्विपमेंट अभी। मैं सभी आर्चर्स से निवेदन करता हूं कि अपने अपने टारगेट फेस चेंज कर लें। तो हम शुरू से था इंडियन राउंड में, तो आर्चर्स काइंडली चेंज योर टारगेट फेस, कोशिश कर रहा था कि एक मेडल तो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेडल लिया था, अपना टारगेट फेस चेंज 2016 में हुआ था नेशनल चैनल नेशनल, उसमें गोवा मेडल लिया, लेकिन इस बार भी लेने की कोशिश किया, लेकिन अभी 10th स्टैंडर्ड का जो बच्चे हैं वो पूरा तैयार किया था, लेकिन अभी 10th को एग्ज़ाम का रिजल्ट एग्ज़ाम
बोर्ड एग्जाम अनाउंस किए तो वो लोग ड्रॉप किया है, तो अभी जो भी अंडर 14 बच्चे खेल रहे हैं जूनियर पे उसकी जगह। तो अभी तो दूसरा मतलब आप गोवा का कोच है, तो अकेले कोच है और क्या जी, अकेले हूँ अभी तक। और कितने स्टूडेंट्स हैं इस स्टूडेंट तो है 60-40 अलग अलग जगह में। सर जो हमारा आचार्य स्टेशन जो है सेक्रेटरी वो समर के कोचिंग के लेते थे, तो इसलिए अलग अलग जगह में शुरू कर, लेकिन कंटिन्यूज नहीं होते हैं वो लोग रेगुलर, सिर्फ पौना में लोग दूर से आते हैं रेगुलर प्रैक्टिस होने के लिए, तो लेकिन वो लोग भी रेगुलर नहीं हो पाते हैं। सिर्फ पौना एरिया का जो बच्चे हैं वही रेगुलर होते हैं। तो आपने आप मांगनी किया है इसके सीएम के साथ, क्या आपने बोला सीएम? जी हम सर को बता रहा था, सर गोवा में एक ही कोच है, दो तीन कोच होते तो और अच्छा सा इम्प्रूव होते हैं आचरी का। तो सीएम का तो सर बोल रहे हैं करेंगे प्रोसेस चालू कर। आपका नाम लक्ष्मी प्रिया। वॉलंटियर्स आर सिटिंग इन द शेड, प्लीज गो एंड हेल्प देम। स्कोरर्स जो टेंट के नीचे है वो जाके हेल्प करिए प्लीज। कितना दिन में हुआ ये अभी टूर्नामेंट? 10 दिन मतलब आज फिर हमारा इवेंट, दो इवेंट खत्म होने से दूसरा इवेंट चालू होता है, फिर इंडियन राउंड लास्ट में 10th एंड 11th। थैंक यू।